सो हाय गाइस, स्वागत है आपका राधिकांश ऑफिशियल चैनल में। तो हम बने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता। तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट चॉप करके रख लिए और कटोरी में मलाई ले ली मैंने आधा कटोरी। और अब हमने लिए इसमें दो उबले हुए आलू, इसे मैंने अच्छे से मैश किया है चम्मच से, एकदम सॉफ्ट कर लिया। और अब मैंने इसमें ऐड किया है पनीर, अच्छे से क्रश किया है मैंने पनीर को। 150 ग्राम मैंने पनीर लिया था इसके अंदर। तो गाइस, अब हमने डाले इसमें 2 चम्मच मैदा और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हरा धनिया, और टी स्पून मैंने डाला इसमें गरम मसाला। और मैंने लिया 2 से 3 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काट के डाला है, और लिए मैंने अदरक, उसे भी मैंने अच्छी तरह बारीक काट के डाला है, और हरा धनिया चॉप करके डाला है अच्छे से। अच्छी क्वांटिटी में मैंने धनिया डाला है और नमक मैंने डाला है हाफ टेबल स्पून, और मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है जब तक ये सारे मिर्च मसाले इसमें मिक्स ना हो जाए। और मैंने तेल को कर लिया है अच्छे से गरम। और यहाँ लिए मैंने 12-15 काजू, और मैंने थोड़े से काजू क्रश करके रखे हैं जो मैंने बॉल्स बनाई है उनके अंदर डाले हैं काजू, और अच्छे से राउंड राउंड करके इसके सारे क्रैक्स मिटा दिए ने मैंने सूखे मैदे में इसको कवर किया, और जो एक्स्ट्रा मैदा था मैंने उसे अच्छे से हाथ से हटा कर रिमूव किया। और अब मैंने इसे एक एक करके डाला है तेल में, और इसे मैंने हिलाना नहीं है क्योंकि अगर मैंने हाथों हाथ डालते हिलाए तो ये टूट सकते हैं। तो इसे मैंने 1-2 मिनट तक ऐसे ही तेल में छोड़ कर तब मैंने इसे पलटा जब तक ये हाफ ब्राउन नहीं हो गया। 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से तेल में फ्राई किया गोल्डन ब्राउन होने तक, और मैंने अभी इसे निकाल लिया। और अब मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने तेल में डाल दिए एक साथ ही। और मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक पकाया, और इसमें मैंने ऐड किए काजू। और मैंने 5 से 7 मिनट पकाने के बाद इसे कढ़ाई से निकाल लिया था, प्लेट पे ठंडा किया मैंने इसे, और फिर मैंने इसे मिक्सी में पीसा मसाले को, और फिर मैंने तेल गरम करके जो बैटर मिक्सी में पीसा था वो कढ़ाई में ऐड कर दिया मैंने तेल में डालकर। और मैंने इसमें डाला खोया, और इसमें मैंने ऐड किया आधी कटोरी मलाई, और इसको 3 से 4 मिनट तक पकाया, और ये ग्रेवी बन के एकदम रेडी हो गई है। तो गाइस, जो मलाई कोफ्ता होता है तो हम इसे ग्रेवी में ऐड नहीं करते हैं, इसके ऊपर ग्रेवी डालते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं जिसके कारण ये टूट जाते हैं। और हम मैंने इसे गार्निशिंग किया है कोरिएंडर से, और थोड़ा सा ऊपर से खोया डाला है। सो एंजॉयिंग कोफ्ता।